हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई विल टीच यू आर्टिकल। सो गाइस, इससे पहले मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ आर्टिकल के ऊपर, और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम आर्टिकल ए एंड ए एन को हम कैसे यूज़ करना है और कहाँ पर उसको हमें यूज़ नहीं करना है। एंड सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ रूल्स रह गए थे उनमें से, और ये बताना है कि कहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे द का। सो गाइस, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आज की रूल्स को हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट रूल है द का यूज़। ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, पेयर हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका सेम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ के बाद प्रयोग की जाने वाली प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, इसका मीन्स ये होता है, अगर ये आपके वर्ड दिए गए हैं और उनके बाद अगर कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिस प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं आपके, ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ के साथ आपका अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, हाफ ऑफ द मिल्क हैज़ बीन सोल्ड। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हाफ ऑफ यहाँ पर यूज़ किया गया है, उसके बाद यहाँ पर यूज़ किया गया आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिल्क यहाँ पे, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है यहाँ पे। सो नेक्स्ट रूल इज द का यूज़ कुछ देशों व कुछ स्टेट्स के नाम से पहले द का यूज़। इसका मीन्स होता गया है कि द का यूज़ हम कुछ कंट्री एंड कुछ सम स्टेट से पहले हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल द को। एग्जाम्पल दिया गया आपका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, द यामीन, द हॉइस, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये यहाँ पे कुछ कंट्री हैं और आपकी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आगे बोला गया, लेकिन देशों और राज्य के नाम का प्रयोग पार्टिकुलराइज सेंस में होने पर भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। यानी कि अगर किसी देश या राज्य का अगर किसी स्पेशल सेंस में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर भी आर्टिकल हम द का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ बोला गया है द इंडिया ऑफ 1947। तो गाइस, यहाँ पे बताया गया है इंडिया की पोजीशन बताई गई है, यहाँ पर एक स्थिति बताई गई है कि इंडिया कब का, इंडिया ऑफ 1947। तो यहाँ पर पुरानी बात की गई है कि एक पार्टिकुलर सेंस में यूज़ किया गया कि 1947 का इंडिया कैसा था। ठीक है, द इंडिया ऑफ 1947। ऐसे बोला गया था यूपी ऑफ 2019, यहाँ पर आप कोई लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक ये यूपी यूज़ किया गया या इंडिया यूज़ किया गया है, इनका एक स्पेशल सेंस निकल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट रूल है आपका, डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ नेम के स्ट्रक्चर में डेट से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसका मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि अगर कहीं भी डेट है और उसके बाद ऑफ है, प्लस मंथ की बात की जा रही है, तो अगर ये स्ट्रक्चर आपका मिलता है डेट ऑफ मंथ, तो हम जो डेट आती है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया आपका, द 14 ऑफ नवंबर। तो गाइस, यहाँ पे क्या है, आपकी डेट है, फिर ऑफ यूज़ किया गया है, और फिर यहाँ पर आपका मंथ यूज़ किया है। तो मैंने भी आपको बताया कि ये अगर स्ट्रक्चर आता है डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या है, वन ऑन द 2nd जुलाई। तो यहाँ पर 2nd क्या है, आपकी डेट है, फिर उसके बाद मंथ है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। सो गाइज, यहाँ तक तो थे आपके कि हम आर्टिकल को कहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमारा जो मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, वो उद्देश्य था कि हम कहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। अक्सर क्वेश्चन यहीं से फंसता है आपका। गाइज, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है,
और आपको मुझे सपोर्ट भी करना है ताकि मैं आगे और इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो यहाँ पर मैंने बताया नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रूल है इस सीरीज़ का वैसे, और मैंने उसी सीरीज़ में काउंट कर दिया था, रूल आपका 35। तो फर्स्ट रूल है सीरीज़ का द का यूज़ भाषाओं यानी लैंग्वेज के नाम से पहले नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताया है इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। सो गाइज यहाँ पर ये क्या आपका लैंग्वेज है और लैंग्वेज से पहले आपको आर्टिकल को यूज़ नहीं करना होता है। लेकिन ये कुछ स्पेशल केस होते हैं, यहाँ बताया गया जैसे लेकिन द नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज। तो यहाँ गाइज बात की गई आपकी द, उसके बाद किसी भी लैंग्वेज का नाम आता है प्लस उसके बाद हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दिया गया आपका डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, तो यहाँ पर हमने बोला जर्मन क्या एक लैंग्वेज है और उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार हमने यहाँ पर लैंग्वेज भी यूज़ किया गया है। तो इसीलिए गाइज उससे पहले हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। लेकिन एक और केस है स्पेशल, काफ़ी अच्छा केस है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कई बार आ सकता है एग्जाम्पल में कि ट्रांसलेट वर्ड का यूज़ अगर हम भाषा के नाम से पहले करते हैं तो भाषा के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। गाइस अगर ये आपका ट्रांसलेट जो वर्ड है आपका ट्रांसलेटेड या ट्रांसलेट बोले हम, तो और अगर ये आपकी किसी भी लैंग्वेज से पहले आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टूल है इस सीरीज़ का द का यूज़ प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं। गाइज यहाँ पर बताया गया कि आपका किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। और आपको पता है कि प्रॉपर नाउन डेफिनेशन क्या होती है, विच नाउन डिनोट द प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग। तो यहाँ पर बताया गया जैसे बीकानेर इज द स्मार्ट सिटी ऑफ राजस्थान। गाइज यहाँ पर जो बीकानेर है ये आपका एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल यहाँ पर हमने इससे पहले द का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट टूल इज द का यूज विषय यानी सब्जेक्ट्स के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। गाइस का मीन्स होता है अगर आपकी जो भी हम सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं आपके, तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया फिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। गाइज अगर यहाँ पे बात करते अगर मैथ होता या हिंदी होता या इंग्लिश होता तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट टूल इज द का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। इसका मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि जो भी आपके अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते अगर ऐसे नाउन होते हैं तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं करते हैं। जैसे आपको ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस, ट्रूथ, मिल्क, वीटी, राइस, वाटर। आप किसी की आप ईमानदारी को नाप सकते हो? नहीं माप सकते ना। तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट टूल है आपका द का यूज़ खेलों यानी कि स्पोर्ट्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपका फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि द फुटबॉल द क्रिकेट, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि हम किसी भी गेम्स के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल इज जब मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का यूज़ व्यापक अर्थों में होता है तो हम वहाँ पर द का यूज़ नहीं होता है। गाइज इसका मीन्स होता है कि अगर ये आपके वर्ड दिए गए जैसे आपका मैन है, वुमेन है, ह्यूमैनिटी है या मैनकाइंड है, अगर इनका यूज़ क्या होता है एक पूरी विशेष जाति को क्लासिफाई करता है। जैसे आपका एग्जांपल दिया गया यहाँ पर कि मैन इज मॉडल, तो गाइज यहाँ पर जो मैन वर्ड जो यूज़ किया गया ये स्पेशल किसी इंसान के लिए नहीं बोला गया है, ये पूरी एक मानव जाति को क्वालिफाई कर रहा है या क्लासीफाई कर रहा है कि जो मानव होता है वो मॉर्टल होता है यानी वो अमर होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट टूल इज नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी के नाम के सामान्य अर्थों में द का प्रयोग नहीं होता है। अगर इनका कोई स्पेशल अर्थ होता है यानी कि एक हम बात करें कि जनरली अर्थ में यानी जनरल जो हम यूज़ करते हैं इसका, तो वहाँ पर हम
इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपका एग्जाम्पल में नेक्स्ट में कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। गाइज यहाँ पर हम द नेचर नहीं कह सकते क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जाम उसमें रूल में बताया है कि नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी, अगर इनका कोई सिंपल अर्थ निकलता है सामान्य अर्थों में तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट रूल है आपका द का यूज भोजन के नाम यानी नेम ऑफ मील के पहले नहीं होता है। गाइज नेम ऑफ मील क्या होते हैं आपके, ब्रेकफास्ट है, लंच, डिनर, सफ़र, टी, कॉफ़ी, तो इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सिंपल रूल है और गाइज मुझे सपोर्ट किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी रूल्स को समझने में तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपके पास अगर कोई बेहतर सजेशन है और वीडियो के लिए तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो, आपकी सजेशन का सम्मान किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है आपका गाइस के द का यूज़ त्योहारों यानी फेस्टिवल एंड छुट्टियां यानी कि नेम ऑफ फेस्टिवल और हॉलीडेज के नाम से पहले नहीं होता है। कैसे हम बात करें अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की तो यहाँ बताया गया आपका क्रिसमस, न्यू ईयर, रिपब्लिक डे, गुड फ्राइडे, तो इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। लेकिन इसमें बताया गया लेकिन त्योहारों यानी फेस्टिवल एंड हॉलीडेज के नाम के साथ हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द का अगर यूज़ करते हैं तो हम द का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फेस्टिवल की अगर हम बात करें जैसे होली, दिवाली, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गुड फ्राइडे या क्रिसमस डे जो भी होते हैं आपके फेस्टिवल, उनके साथ अगर हम हॉलीडे या हॉलीडेज का अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। जैसे आपके एग्जांपल में बताया गया द न्यू ईयर हॉलीडेज यानी नई साल का क्या है, छुट्टी है। यानी अगर हम बात करते केवल इतना न्यू ईयर ओनली तो इससे पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते, लेकिन इसके साथ क्या वर्ड यूज़ किया आपने, हॉलीडे, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया है। गाइस नेक्स्ट रूल इज द का यूज़ बीमारियों यानी डिसीज के नाम से पहले नहीं होता है। ये आपको बहुत स्पेशल रूल है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी बीमारी के साथ में द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। ये बीमारियों का आपके नाम दिए गए हैं जैसे डायबिटीज है, थायरॉइड है, या आपका ट्यूबरकुलोसिस है, और ये आपका मलेरिया है, इनके साथ हमको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल कतई। गाइस नेक्स्ट रूल है आपका, देखिए काफ़ी स्पेशल रूल है, इससे मैं आपसे गारंटी लेता हूँ एक नंबर का क्वेश्चन आपका 100% फंसता है आपका, इसमें से ये ज़रूर आता है आपका। जब हम स्कूल, कॉलेज, चर्च, वेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेंपल, मॉस्को, यूनिवर्सिटी का यूज़ का प्रयोग प्राइमरी पर्पज़ यानी किसी मूल उद्देश्य का बोध कराने के लिए होता है तो इनसे पहले हम आर्टिकल ए, एन, द का यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि ये अगर इनका जो मेन उद्देश्य होता है, जैसे हम बात करें यहाँ पर प्राइमरी पर्पस क्या हो सकते हैं आपके, तो यहाँ मैंने बोला स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किस लिए हो जाते हैं हम यहाँ पर, फॉर स्टडी यानी हमें पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। नेक्स्ट आपका चर्च, टेंपल, मॉस्को, यहाँ किस लिए जाते हैं, फॉर रिलीजियस पर्पस यानी किसी धार्मिक उद्देश्य से जाते हैं ना हम यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, या हमें नमाज पढ़ना होता है, या भगवान से हमें कोई भी प्रेयर करनी होती है, तो इसलिए हम इनका मेन उद्देश्य जहाँ जाने का क्या होता है, फॉर रिलीजियस पर्पस। नेक्स्ट इसमें कोर्ट, जेल और प्रिजन, यहाँ हम जाते हैं अगर जैसे कि कोई एज लिटिगेंट्स, एज एक्वर्ड, एज प्रिजनर, एज वेटनेस, यानी अगर कोई भी पर्सन है अगर कोई इलीगल काम करता है तो उसके लिए उसको जेल में डाला जाता है या प्रिजन में जाता है। कोर्ट में किस लिए जाते हैं हम, किसी केस वगैरह लड़ना होता है अपना उसके लिए जाते हैं।
हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं? फॉर ट्रीटमेंट, या एज पेशेंट, किसी भी पेशेंट को हम देखने के लिए जाते हैं, या हम अगर जैसे बीमार हैं तब जाते हैं हॉस्पिटल। बेड पर हम किस लिए जाते हैं? फॉर स्लीपिंग और रेस्टिंग, हमें अगर कोई आराम करना होता है या सोना होता है तो हम बेड पर जाते हैं। तो इनके जो प्राइमरी पर्पज़ जो होते हैं वो यही होते हैं। अगर इन प्राइमरी पर्पज़ के अलावा अगर कोई इनका अदर यूज होता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं द का, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आई फाउंड हिम नियर द टेम्पल। तो गाइस हम यहाँ पर आई फाउंड हिम नियर द टेम्पल, मैं या आई फाउंड, मैंने उसको मंदिर के पास में पाया। तो यहाँ पर हम किसी विशेष उद्देश्य, यानी जो हमारा मिलने का पर्पज़ है, मिलने के पर्पज़ से गए या हमें उसे पाया गया, यहाँ पर हम वर्शिप के पर्पज़ यानी पूजा के उद्देश्य से या भगवान से प्रेयर करने के उद्देश्य से नहीं गए, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द को यूज़ किया गया है, द आर्टिकल यूज़ किया है, क्योंकि ये आपकी प्राइमरी उद्देश्य यानी जो भी इसका प्राइमरी पर्पज़ था उससे इसको अलग काम किया गया है यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया है। अगर इनके प्राइमरी पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम आर्टिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका द का प्रयोग नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ वर्क, सी टाउन, ऑफिस के पहले इनका यूज हम नहीं करते हैं गाइस, क्योंकि हम यहाँ होम, वर्क और सी और टाउन और ऑफिस, इनसे पहले हम इनका आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपका दिया गया है सी कम होम लेट, वो हमेशा, या हम कहें वो घर लेट आती है, सी कम होम लेट, वो घर लेट आती है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने बताया कि ऑफिस, होम, वर्क, सी, टाउन, इनके साथ हम आर्टिकल का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल इज द प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। गाइस बात करें हम ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से होते हैं। तो अगर कहीं भी आर्टिकल द है और उसके साथ ऑर्डिनल नंबर है, उसके साथ फिर एंड है, प्लस द है, प्लस उसके साथ फिर ऑर्डिनल है, उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं यहाँ पर चैप्टर्स, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर्स यहाँ पर। लेकिन इसने बोला है द ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस द ऑर्डिनल प्लस सिंगुलर नाउन का भी यूज़ होता है, जैसे द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर, यहाँ पर हमने सिंगुलर यहाँ पर इसका नाउन का यूज़ किया गया और यहाँ पर हमने प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल आपका प्रपोजिशन प्लस वर्ड या प्रपोजिशन प्लस वर्ड, प्रपोजिशन यानी कि हम, ये आपका होता है फ्रेजेस एक्सप्रेशन, ये फ्रेजेस होते हैं, इनके साथ हम इनको हम द के बिना यूज़ करते हैं। अगर इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं तो यह गलत हो जाते हैं गाइस। ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कुछ फ्रेजेस के जिनको केवल हम प्रपोजिशन के साथ यूज़ करते हैं, इनके साथ आपको अगर ये फ्रेजेस आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप इनके साथ सी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। तो ये आपका प्रपोजिशन दिया गया है, फर्स्ट आपका एट, उसके साथ वर्ड यूज़ किया गया है, एग्जांपल आपका फर्स्ट एट वार, एट नून, एट लाइजर, एट इंटरेस्ट, एट फर्स्ट, एट प्ले, एट लास्ट, एट साइट। नेक्स्ट प्रपोजिशन दिया गया आपका ऑन, ऑन ए प्लस वर्ड, यानी ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन डिमांड, ऑन फुट, ऑन सेल, ऑन हॉर्सबैक, ऑन डेक, ऑन वॉच, ऑन डेथ, ऑन पर्पस। नेक्स्ट आपका वाई के साथ, वाई के साथ फ्रेजेस जो बनते हैं गाइस, अगर आपको फ्रेजेस की, अगर आपको, वैसे तो मैं चैप्टर कराऊंगा आपका अलग से, वॉकअप में आता है वो, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं, आप कमेंट सेशन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी फ्रेजेस की वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगा और वहाँ पर मैं इनके आपको यूज़ करना ही बताऊँ कैसे हम इनको यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट आपका बाई के साथ वाई डे, वाई नेम, वाई नाइट, वाई पोस्ट, वाई रोड, वाई हैंड, वाई एग्रीमेंट, वाई चेक, वाई एक्सीडेंट, वाई हर्ट, वाई मिस्टेक, वाई चांस। नेक्स्ट आपका इनके साथ इन हेवन, इन जेल, इन चीस्ट, इन लव, इन मोशन, इन कोर्ट, इन हैंड, इन डेप, इन हेस्ट, इन कन्फ्यूजन, इन बैड, इन टाइम, इन टाउन, इन फैक्ट, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन साइलेंस ऑफ, इन जर्नल ऑफ, इन चेंज ऑफ, इन ट्रेवल, इन ऑडियंस, इन एडवांस सॉरी, इन डाउट, इन डिटेल, इन डेंजर, इन पेयर, इन फेयर, इन लाइफ, इन एक्शन। तो गाइज ये आपके फ्रेजेस थे जिनको प्रपोजिशन प्लस वर्ड के साथ हमने फ्रेजेस बनाए थे। तो आपको हमेशा इन चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ये फ्रेजेस आते हैं तो इनके साथ आपको आर्टिकल द का यूज़ कतई नहीं करना। और नेक्स्ट रूल आपका, और आज की वीडियो का ये आपका लास्ट रूल है गाइज, तो मैं चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से मेरी वीडियो को ऑलरेडी जो वीडियो मैं बना चुका हूँ, तीन वीडियो मैंने वॉकऐप पे बनाई हैं और आर्टिकल की जो वीडियो डाली हैं, आपने मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लाइक किया है, शेयर भी किया है, कमेंट भी किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप उतना प्यार दें और आगे से आगे की वीडियो के लिए भी आप मुझे सपोर्ट करें। रूल इज कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनमें द का यूज़ नहीं होता है और ना ही ए और एन का। गाइस यहाँ पर हम तीनों की बात कर रहे हैं, आर्टिकल ना द यूज़ होगा, ना ए होगा, ना एन, इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल इनके साथ इन फ्रेजेस में नहीं होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है टू लीव स्कूल, टू लीव होम, टू गिव एयर, टू टेस्ट ब्रीथ, फॉर सेल, टू लॉस, टू लूज हर्ट, टू कैच फायर, टू सेट ऑन फायर, फॉर मनी, फॉर लीव, टू सेंड वर्ड, टू टेक ऑफ ऑफेंस, टू गिव बैटल, टू स्ट्राइक रूट, अंडरग्राउंड, एबव ग्राउंड, टू सेट एंड टू फ्रिंग वर्ड। तो गाइस यहाँ पे आपके टू के साथ और अंडर ब्लो और फॉर के साथ यहाँ पर ये आपके फ्रेजेस बनाए गए हैं। और गाइस मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आपको किसी भी रूल को समझने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बेझिझक पूछा करें, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। और अगर आपके पास कोई भी बेहतर सजेशन है तो आप मुझे उसे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।